हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड बायोगैन वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी के बारे में। हम हमेशा होम्योपैथी के मेडिसिन के ऊपर वीडियो बनाते हैं, पर आज हम दो ऐसे सवालों के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं पर उनको एक प्रॉपर जवाब नहीं मिल पाता है। पहला सवाल आता है कि होम्योपैथी हमें किन किन बीमारियों में लेना चाहिए। दूसरा सवाल आता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन हमें कितने दिनों में असर करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इनके बिल्कुल प्रॉपर आंसर कि क्या सही इनके जवाब हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं तो मुझे पता है कि क्या इनके सही जवाब हो सकते हैं और कैसे होम्योपैथी वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, प्लीज़ बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास हर एक वीडियो पहुँचती रहे और आप अपने स्वस्थ बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, समझेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि होम्योपैथी हमें किन किन बीमारियों में लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी आप लोग हर डिसीज़ में ले सकते हैं, चाहे वह अक्यूट डिसीज़ हो चाहे क्रॉनिक डिसीज़ हो। लाइक आपको खांसी, जुखाम, बुखार, बार बार किसी की तबीयत ख़राब हो रही है, एनीमिया किसी को है, किसी को बार बार हेडेक होता है, तो आप बिल्कुल अक्यूट से अक्यूट डिसीज़ में भी होम्योपैथी को ले सकते हैं और क्रॉनिक डिसीज़ में भी ले सकते हैं। लाइक किसी को पाइल्स है, किसी को माइग्रेन है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, कोई भी बहुत लंबे समय से चलने वाली प्रॉब्लम है, आप लोग होम्योपैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किन बीमारियों में हम होम्योपैथी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बीमारी कोई भी हो, आप लोग किसी बीमारी में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई सा बहुत इमरजेंसी कंडीशन है, लाइक स्नेक बाइट हो गया है, लाइक आपका एक्सीडेंट हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तो इस टाइप की अगर जो बिल्कुल इमरजेंसी कंडीशन है, जहाँ पर आपको डू एंड डाई वाली कंडीशन है, तो वहाँ पर आपको एलोपैथी लेना पड़ेगा। खुद डॉक्टर हैनीमैन ने ऐसा बोला है कि इमरजेंसी कंडीशन के लिए एक पैथी है। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी कभी भी एलोपैथी का विरोध करने के लिए नहीं बनी है। होम्योपैथी के अपने सिद्धांत हैं और एलोपैथी को रोकने के लिए होम्योपैथी नहीं बना है। एमरजेंसी कंडीशन में एलोपैथी इज़ दी बेस्ट पैथी। तो आप लोग जब भी एमरजेंसी कंडीशन हो तो आप लोग एलोपैथी के लिए जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, अपनी बीमारी को पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, कोई भी दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं चाहते हैं, बहुत इफ़ेक्टिवली अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा करना चाहते हैं, अपने वाइटल फोर्स को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को होम्योपैथी के पास आना चाहिए, होम्योपैथिक मेडिसिन से अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कितने दिनों में असर करती है। बहुत सारे लोगों का कहना ऐसा होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत दिनों में असर करती है, खांसी जुकाम बुखार भी होता है तो उसमें एक महीना लग जाता है ठीक होने में। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। जो अक्यूट डिसीजेस होती हैं, लाइक खांसी जुकाम बुखार, थोड़ी बहुत जो मतलब कि कुछ समय पहले ही आई हैं और थोड़े समय में वो जाने वाली हैं, टॉन्सिलाइटिस हो गया है, आपके अल्सर्स हो गए हैं, तो ऐसी छोटी मोटी जो बीमारियाँ अक्यूट डिसीजेस हैं, इन सब बीमारियों में आप लोग होम्योपैथी लेंगे तो बहुत जल्दी वे आपको विद इन आवर्स में, विद इन डेज में बहुत अच्छा वर्क करके देगी और आपको बहुत लंबे समय तक यह बीमार नहीं होने देगी आगे चल के भी, क्योंकि यह आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करती है, आपके वाइटल फोर्स को अरेंज करती है। अब बात करते हैं कि समय किन बीमारियों में लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी पैथी के मेडिसिन जीवन भर खाना चाहते हैं, चाहे वह डायबिटीज़ के लिए हो, माइग्रेन के लिए हो, ब्लड प्रेशर के लिए हो, कोलेस्ट्रॉल के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप कोई पैथी की दवाई ज़िंदगी भर खाते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप होम्योपैथी की दवाई 6 महीने साल भर तक लेंगे तो यह बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ज़िंदगी भर दवाइयां लेनी है या फिर प्रॉपर आपको 6 महीने से लेके 1 साल तक की दवाइयां लेनी है कि आपकी डिसीज़ पूरी तरीके से क्योर हो जाए, पूरी तरीके से ठीक हो जाए। फ्रेंड्स, क्रॉनिक डिसीजेस में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन अक्यूट डिसीज में होम्योपैथी बहुत जल्दी बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि अक्यूट डिसीज़ में कम समय लगता है और क्रॉनिक डिसीज़ में जहाँ पे ज़िंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, वहाँ पे आपको 6 महीने से लेके 1 साल तक 1.5 साल तक दवाइयाँ खानी पड़ेगी और आपकी डिसीज़ पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, आपको फिर कभी भी दवाई टच भी नहीं करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में कहाँ सिर्फ पेलिएशन होता है, मतलब कि दवाई को खाना पड़ेगा, जब तक खाएंगे तब तक असर रहेगा, बाकी फिर आपको फिर से वैसी की वैसी बीमारी हो जाएगी। ऐसा भी होता है फ्रेंड्स, हर बीमारी को होम्योपैथी भी ठीक नहीं कर पाता है। लाइक कैंसर,
अगर कैंसर है तो जैसे कि आप लोग दूसरी पैथी में और थेरेपीज ले रहे हैं, वैसे ही होम्योपैथी में पेलिएशन होता है, मतलब कि आपकी लाइफ स्पेन को बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही और भी डिसीजेस होते हैं जिनमें लाइफ स्पेन को आपकी बढ़ाया जाता है, आपको कोई भी नुकसान नहीं होता, आपका दर्द कम होता है, आपकी बीमारी कम होती है लेकिन ख़त्म नहीं होती है। तो फ्रेंड्स यह थे दोनों सवालों के जवाब। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिए। कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरीज है होम्योपैथी को लेकर या फिर होम्योपैथी की किसी भी मेडिसिन को लेकर आप या फिर आपकी हेल्थ को लेकर, तो आप लोग नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में उनसे पूछ सकते हैं, हम आपको बहुत जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि होम्योपैथी के थ्रू आपको किसी भी बीमारी का इलाज चाहिए, तो आप लोग नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करिए और घर बैठे अपना इलाज आप लोग बुलवा सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को लगता है कि यह वीडियो दूसरों की हेल्प कर सके, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर जरूर कीजिए ये वीडियो। फ्रेंड्स अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपके पास हर एक वीडियो पहुंचती रहे और आप अपने स्वस्थ बने रहें। चलिए फ्रेंड्स अगली वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।